सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, ऐश ने अपने जर्नी में 80 से भी ज्यादा पोकेमॉन्स पकड़े हैं और हर एक पोकेमॉन अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। कुछ ऐश के पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से काफी अलग लगते हैं या फिर उनके पास कुछ अलग फीचर्स हैं। और आज हम ऐसे ही टॉप 6 ऐश के पोकेमॉन्स को देखने वाले हैं जो कि नॉर्मल पोकेमॉन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हर बार की तरह वीडियो काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होगी। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, ऐश का गेंगार। गेंगार एक पॉइजन और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। ऐश गेंगार को पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 16 में कैच करता है। ऐश का गेंगार डायनामैक्स और जिगंटामैक्स दोनों हो सकता है। वेल, ऐश का गेंगार काफी ज्यादा यूनिक है बाकी गेंगार से, क्योंकि ऐश के गेंगार का कलर अलग है। एक नॉर्मल गेंगार का कलर डार्क पर्पल होता है और एक शाइनी गेंगार का कलर ग्रे होता है, बट ऐश का गेंगार का कलर इन दोनों से काफी ज्यादा अलग है जो कि लाइट पर्पल है। ऐसा कलर हमें पोकेमॉन एनीमे में किसी और गेंगार के पास देखने को नहीं मिला। तो हाँ, ऐश के गेंगार का कलर उसको बाकी सारे गेंगार से काफी ज्यादा अलग बनाता है। नंबर 2, ऐश का नॉकटाउल। नॉकटाउल एक फ्लाइंग और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 2 जोटो रीजन से। ऐश अपने नॉकटाउल को पोकेमॉन के एपिसोड 154 यानी कि फाउल प्ले में पकड़ता है। नॉकटाउल ऐश का एक लौता शाइनी पोकेमॉन है। शाइनी पोकेमॉन्स का कलर नॉर्मल पोकेमॉन से अलग होता है, जैसे कि एक नॉर्मल नॉकटाउल का कलर ब्राउन होता है, बट वहीं पर ऐश के गेंगार का कलर गोल्डन है। सिर्फ कलर वाइज नहीं, ऐश का गेंगार और भी काफी सारी चीजों में यूनिक है, जैसे कि ऐश के नॉकटाउल का साइज एक नॉर्मल नॉकटाउल से काफी ज्यादा छोटा है। और हां, ऐश का नॉकटाउल और नॉकटाउल के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो हाँ, नॉकटाउल ऐश का एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमॉन है। नंबर 3, ऐश का मेलमेटल। मेलमेटल एक प्योर स्टील टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 7 अलोला रीजन से। मेलमेटल ऐश का सबसे पहला और एकलौता मिथिकल पोकेमॉन है। तो हाँ, ऑलरेडी ये काफी ज्यादा रेयर है। मेलमेटल के पास कोई भी ऐसी यूनिक चीज नहीं है जो कि दूसरे मेलमेटल के पास ना हो। पर जब ऐश का मेलमेटल अपने मेल्टन के फॉर्म में था तो वो एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमॉन था। ऐश अपने मेलमेटल को मेल्टन के फॉर्म में पकड़ता है पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 112 में, जो कि था गॉट मेल्टन, जहां पर ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट आगे जाके टीम रॉकेट मेल्टन के नट को अपने कार में यूज कर लेते हैं, जिसके चलते मेल्टन का नट थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता है दूसरे मेल्टन के मुकाबले, जिससे ये काफी यूनिक पोकेमॉन बन जाता है। पर मेलमेटल में इवॉल्व होने के बाद इसकी ये यूनिक चीज चली जाती है। नंबर 4, ऐश का ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा एक वाटर और डार्क टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 6 कैलोस रीजन से। ऐश अपने ग्रीनिंजा को लूमियो सिटी परसूट नाम के एपिसोड में एक फ्रोकी के फॉर्म में कैच करता है, जो कि आगे जाके इवॉल्व हो जाता है फ्रॉगेडियर में और फाइनली ग्रीनिंजा में इवॉल्व हो जाता है। ग्रीनिंजा के फॉर्म में यह नॉर्मल था, बट आगे जाके ये बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। इस फॉर्म में जाने के बाद ग्रीनिंजा और ऐश की सोल एक दूसरे से मिल जाती है, वो एक दूसरे को फील भी कर सकते हैं। ग्रीनिंजा के बेस स्टैट 110 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ग्रीनिंजा के डिजाइन में भी काफी चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके पीछे एक शुरिकन आ जाता है और उसकी डिजाइन ऐश से काफी ज्यादा सिमिलर लगने लगती है। पोकेमॉन वर्ल्ड में दो ही ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो सकते हैं, एक है ऐश का ग्रीनिंजा और एक है एंशिएंट ग्रीनिंजा। तो हाँ, करंट टाइम में देखा जाए तो ऐश ग्रीनिंजा जैसा दिखने वाला पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 5, ऐश का इन्फर्नेप। इन्फर्नेप एक फायर और फाइटिंग टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है जेन 4 सिनो रीजन से। ऐश अपने इन्फर्नेप को चिमचार के फॉर्म में पकड़ता है स्मेल्स लाइक द टीम स्पिरिट नाम के एपिसोड में, जहां पर ऐश के राइवल पॉल ने इसको वीक समझ के रिलीज कर दिया था। आगे जाके चिमचार फुली इवॉल्व हो जाता है इन्फर्नेप में और उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है जो कि है ब्लेज एबिलिटी। ये एबिलिटी काफी सारे पोकेमॉन्स के पास है, पर ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद नॉर्मल पोकेमॉन्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, जहां पर उनकी बॉडी सिर्फ ऑरेंज कलर में ग्लो होने लगती है। पर इन्फर्नेप जब ब्लेज एबिलिटी में जाता है तो उसके सर की आग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी आंखें रेड हो जाती है और इन्फर्नेप अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जिसके बाद वो अपोनेंट पोकेमॉन को हार के ही मानता है। ऐसी ब्लेज एबिलिटी पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं है, इसीलिए ऐश का इन्फर्नेप एक काफी ज्यादा यूनिक पोकेमॉन है। और फाइनली नंबर 6, क्रोकोडाइल और स्कॉटल। ये दोनों ऐश के काफी ज्यादा सिमिलर पोकेमॉन है। वेल, क्रोकोडाइल एक ग्राउंड और डार्क टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 5 यूनोवा रीजन से, वहीं पर स्कॉटल एक प्योर वाटर टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। इनको मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों नॉर्मल पोकेमॉन है, बट इनके पास एक यूनिक फीचर है जो कि ये है कि ये दोनों यूनिक ग्लासेस पहनते हैं, जो कि इनके अलावा कोई और स्कॉटल या फिर क्रोकोडाइल नहीं पहनता है। इसी से सिमिलर केस है सेप्टाइल का, जिसके मुंह में हमेशा एक स्टिक रहती है जो कि किसी और सेप्टाइल के पास नहीं रहती। तो हाँ, हम इन तीनों को भी एक यूनिक पोकेमॉन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। वेल, तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।
एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।